हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निखिल अग्रवाल। और आज का भी जो टॉपिक एक सजेस्टेड है वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका नाम है कुणाल देव मुरारी। उन्होंने मुझे बोला था इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है हाउ टू मेक सिक्स पैक एप्स। जो हर किसी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हमको एप्स बनाना है। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, ऐप्स बनाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लिटरली बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये इतना इजी गेम नहीं है सिक्स पैक्स ऐप्स बनाना, और बनाने से ज़्यादा उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, दोस्ती करना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है, वैसा ही ऐप्स भी एक ऐसी चीज़ है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आदमी बहुत जोश के साथ बना जरूर लेता है, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसको सिक्स पैक ऐप बनाना कैसे बना सकते हैं। देखिए, सिक्स पैक ऐप बनाने के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर वर्कआउट और दूसरी चीज़ है प्रॉपर डाइट। ये दो चीज़ का बहुत बड़ा गेम होता है इस चीज़ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट का करना कैसे है आप लोगों को, मंडे से लेकर सैटरडे आपको रोज ऐप्स करना है, रोज करना है। स्टार्टिंग में जैसे ही हम जिम जाते हैं, आपको स्टार्टिंग में एप्स की वर्कआउट करनी है। अब रोज करना कैसे है, आप उसको अल्टरनेट डे पे फिक्स करिए, लाइक मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आप अपर एब्डोमिनल के लिए करिए, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आप लोअर एब्डोमिनल के लिए करिए। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ऑन एन एवरेज 30 मिनट आपको करना है स्टार्टिंग में जिम जाते ही, और उस 30 मिनट के बाद आपको 10 से 15 मिनट लव हैंडल की, साइड बैंड की जो वर्कआउट होती है वो करना है। आप कैटलबेल ले लीजिए, डंबल ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, किसी को भी आप लीजिए, बट आपको अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट आपको लव हैंडल के लिए करना है। तो ये जो 10-15 मिनट रहेगा, इसमें टारगेट करिए आप इनिशियली शुरुआत में 50 करना है, 50 रिपीटेशन, 50 के बाद 60, 70, 100, 150, 200 तक आप टारगेट लेते हुए चलिए। तो क्या होता है, जब ये लव हैंडल जब हमारा कम होता है ना, तो वेस्ट जो होता है हमारा कमर, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो जिसके वजह से हम फिर बहुत पतले लगने लग जाते हैं। तो इसलिए दोनों का वर्कआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये दोनों का वर्कआउट हो जाता है, 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज लगेगा, उसके बाद आपका जो मसल्स टारगेट होता है, लाइक चेस्ट, बैक, शोल्डर, जो भी आपको करना है, हाफ एन आवर, 45 मिनट आप उसको भी फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो ये जो वर्कआउट प्लान है, ये आपको ऑन एन एवरेज 2 महीना तक आपको फॉलो करना है, अगर एक अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो। 2 महीने के बाद फिर क्या करना है आपको, उतना एप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके में प्रॉपर एक शेप आ गया है, अब आप उसको मेंटेन करना है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 2 महीने बाद जो नॉर्मल आप वर्कआउट करते हैं किसी पर्टिकुलर एक मसल्स के लिए, उसके बाद वर्कआउट के बाद जो है लास्ट में 15-20 मिनट जो है ना, आप उसको थोड़ा सा एक वार्म अप दे सकते हैं एब्डोमिनल एरिया को। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बात और है, आप कभी भी देखना जो लेबर वाले होते हैं ना, हिमाली कुली टाइप के, वो लोग का देखना बॉडी कितना रिब्ड होता है। रिब्ड क्यों होता है, क्योंकि उनके बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है और उनके में एब्स बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एब्स करते हैं, वो लोग कोई नहीं करता है, बट उनके में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके में फैट की जो परसेंटेज होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। और साइंटिफिकली भी ये चीज़ बोला गया है कि हर इंसान के अंदर एब्स ऑलरेडी बना हुआ है, बट दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि एब्स का जो मसल है और ये जो हमारी स्किन की लेयर होती है, ये दोनों के बीच में इतना फैट भरा हुआ होता है कि वो एब्स दिखता ही नहीं है। तो हम जब वर्कआउट करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं, तो वो होता क्या है, हमारा बॉडी का फैट कम होता है। जब फैट कटने लग जाता है ना, तब ये एब्स दिखना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वर्कआउट का आपको लोग को ध्यान देना है, आप लोग को फोकस करना है, उस तरीके से वर्कआउट करना है। और एक बात और है, जब आप करते हैं एप्स का वर्कआउट, जब आप करेंगे तो एक चीज आप ध्यान देना कि जब कोई भी एप्स का वर्कआउट कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं सांस छोड़ना है मुंह से, जब नीचे जाते हैं सांस लेना है आपको नाक से, और जब आप ऊपर आते हैं तो रिपीट एकदम रेंज उसका स्लो रखिए, और जब वापस भी आते हैं उसका रेंज को स्लो रखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता रहता है, और लोग बहुत फास्ट मारते हैं। फास्ट नहीं करना है, आप 100 के जगह 10 रिपीटेशन लो, बट वो 10 रिपीटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो लाइक 100 रिपीटेशन से भी ज़्यादा लगे। तो इसलिए आप हमेशा नंबर पे मत जाइए, लाइक क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे फोकस करिए हमेशा, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। अब बात आती है डाइट प्लान की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मेक सिक्स पैक एप्स। सी, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ खाते हैं वो एकदम
क्लीन होना है, कोई बहुत ज़्यादा मसालेदार, स्पाइसी, ऑयली उस टाइप का फूड नहीं होना चाहिए, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं जंक फूड्स, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप अपने बॉडी को समझिए कि वो हमारे बॉडी में जब जाता है वो खाना, तो वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या वो डाइजेस्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाना है जो हमारे बॉडी उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसे कई लोगों के साथ होता है, कोई चीज़ डाइजेस्ट वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो चीज़ अवॉइड करना है। उसके बाद जो हाई शुगर वाली जो चीज़ें होती है, या आर्टिफिशियल जिसमें शुगर होते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसके बाद आपके स्वीट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम शुगर वाली चीज़ें लेते हैं तो ये क्या करता है, शुगर में ट्रांसफॉर्म करता है, शुगर से फिर ये फैट में ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ही ये फैट में ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाई, तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि लंच लाइक 2-3 बजे से पहले या 2-3 बजे तक मिठाई, जो भी खाना है आप खा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, बाकी जो समय बचता है हमारे पास दिन भर का, तो उसमें हम एनी हाउ लाइक कुछ इधर उधर काम करके चल फिर के हम उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट जो शाम को खाते हैं मिठाई, चॉकलेट्स, या रात को खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप उस चीज़ को अवॉइड करिए, बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए मैं तो बोलता हूँ इनिशियली। फिर भी आप अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उसको फर्स्ट हाफ तक ले सकते हैं, लाइक लंच तक। एक और पॉइंट है, आप लेट नाइट डिनर मत करिए। अगर आपको वाकई में एप्स बनाना है, और अगर कभी भी लेट नाइट डिनर हो भी जा रहा है, तो आप उसमें हाई कार्ब्स मत रखिए, थोड़ा सा लीन प्रोटीन वाला जो है ना आपको फूड लेना पड़ेगा। तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 6-pack ऐप बनाने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे को बताइए, और आने वाले समय में आपको फिर से और किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। अभी जैसे मैं बना रहा हूँ, और जो पर्सन मेरे को बोलता है बनाने के लिए, मैं उनका नाम लेके भी बोलूँगा एक बार स्टार्टिंग पे। तो इस तरीके से मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।